नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली बिल्कुल पहुँच गई यहाँ पर सूर्य के पहले पर्व तक। सभ्यता के मामले में बहुत सुशील, सुंदर, सही तरीके से दूसरों से व्यवहार करना और उनकी बात को समझना, ऐसे व्यक्तियों की उंगली का जो पाप ग्रहण शक्ति होती है, बहुत सुंदर ग्रहण शक्ति आपके पास है। व्यक्ति का काम कुछ भी हो, अगर व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं होते तो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ इस प्रकार के अगर मैं देखूँ तो विचारधारा बहुत ही सुंदर है। अब बात करते हैं आपके सूर्य पर्व की। ये सूर्य का पर्व है और सूर्य के पर्व पर यदि मैं देखूं तो बिल्कुल आपकी उंगली चुपकी हुई है शनि की उंगली के साथ। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार से, अपने माता पिता से, सभी से बहुत प्यार करता है और उनको साथ लेकर के चलता है। अगली उंगली शनि की उंगली, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। जब जब शनि की उंगली सीधी खड़ी होती है तो शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी कुछ भी क्यों ना आए तो आपके जीवन के अंदर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करता। तो कुल मिलाकर कुंडली की का शनि भी बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। देखिए बृहस्पति की जो उंगली होती है ये ऊपर तक जुड़ी है तो ईश्वर के प्रति आस्था, लेकिन दूसरा फ्लैंक और तीसरा फ्लैंक जब खाली होता है तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यदि मैं बात करूँ दूसरा फ्लैंक जो होता है तो वो आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। जब ये गैप दिखाई देता है तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता रहता है धन के लिए। तो ये धन का संघर्ष दिखला रहा है। नीचे वाला फ्लैंक से धन आया, आया और गया। तो व्यक्ति को जीवन के अंदर धन का आना, धन का जाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आपके पास धन इकट्ठा नहीं होता होगा, बिल्कुल आप इसमें चिंतित रहते भी होंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा की। चलिए पहले मैं बुध पर्वत के बारे में बात कर लूँ। ये बुध पर्वत है आपका और बुध पर्वत अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पर्व आपका अनुकूल है। सबसे बड़ी बात क्या है, जब पर्व अनुकूल होता है तो पर्व जब अनुकूल रहेगा, सम रहेगा, ना गड्ढे में है ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो व्यक्ति के पास कुछ भी स्थिति क्यों ना सही लेकिन धन तो उसके पास आता जाता रहता है। बहुत अच्छे धन के लिए जो इंडिकेशन, जो रेखाएँ चाहिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं सूर्य पर्व। पूरा का पूरा सूर्य पर्व एकदम खाली पड़ा है। पूर्य पर्व पर कोई भी निशान नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं। तो यश क्या मिलेगा, तरक्की क्या मिलेगी, कहीं किसी क्षेत्र में व्यक्ति को न यश मिलता है, न नाम मिलता है, न काम मिलता है। तो ये बिल्कुल यश एकदम यहाँ पर पर्वत आपका एकदम साफ। अब बात कर लेते हैं आपके शनि पर्व की। ये शनि पर्व यहाँ सम है। भले ही कोई भी रेखा ना सही, अगर अच्छी रेखा होती तो उसके बहुत मैं बताता कि कोई करोड़पति बनता है, लखपति बनता है, क्या बनता है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताकर चलना चाहूँगा। देखिए आपका सम पर्व है ये, यानी कि आपका पर्व जो है ये शनि का यहाँ पर सम पर्व है। बहुत मानक में बहुत हिसाब से आपके पास पैसे आते रहेंगे, रोटी खाते रहेंगे। 55 साल के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक होने वाली है, इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि यदि आपके अभी से कोई LIC है, कोई पॉलिसी है या कोई धन एकत्रित करने के साधन है तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 55 के बाद में आपको जो धन है उसके आवक आने के साधन बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर किसी भी चिन्ह का ना आना, ये भी अपने आप में वही एक ये मंगल की रेखा गई है जो थोड़ा सा इस बात को बताती है। व्यक्ति भाग दौड़ करके कैसे ही अपने सिर ढकने का काम कर जाता है, लेकिन कोई भी चिन्ह यहाँ पर भी नहीं मिला तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। अच्छे सुख के लिए यहाँ पर कुछ रेखाएं होनी जरूरी आवश्यक है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपकी बहुत मोटी है। जब व्यक्ति की इतनी हृदय रेखा मोटी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने दिल से मजबूत होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अधिकतर मैंने देखा है जब तक इतनी गहरी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जो कुछ कहना कह दिया, काम खत्म, किसी के प्रति मन में जो बात होती है वही उसके होठों के बाहर होती है, यानी वो दिल से बहुत साफ होता है। और रोग की यदि बात करें तो रोग उसके आसपास जल्दी से फटकता नहीं है,
और यदि फटक जाए तो उसको फिर काफी दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है। तो हृदय की रेखा देखें तो कुल मिलाकर उसके ये भाव है। अब बात करते हैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व यहाँ देखिए निकलती हुई रेखा मंगल पर्व से, और आपने बताया भी है कि आप जो है ड्राइवर हैं, तो मंगल पर्व से जब रेखा निकलेगी तो व्यक्ति या तो जमीन से पैसा कमाएगा, या इंजीनियर होगा, या ड्राइवर होगा, या टेक्निकल कार्यों से फायदा उठाएगा। तो आपके जीवन के जो काम हैं वो यही बनते हैं, और आपने जो ड्राइवरी का काम कर रखा है ये बिल्कुल सही कर रखा है। और साथ ही साथ मंगल रेखा जब चंद्रशीर्ष पर्वत को देखे तो व्यक्तियों को भाग दौड़ का भी कामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर मस्तिष्क रेखा बहुत साफ सुथरा है, ज़्यादा इसके अंदर उल्टे सीधे विचार नहीं, एक तरह की सोचते हैं एक तरह की करते हैं, तो ये मस्तिष्क रेखा कुल मिलाकर मैं तो इसे ठीक ही मानता हूँ। अब बात करते हैं आपकी एकमात्र रेखा भाग्य रेखा के बारे में। ये देखिए भाग्य रेखा और आपके आयु रेखा गया, यानी कि मेरी आयु में मेरे जीवन में ईश्वर ने विधाता ने लिख दिया है एक ही काम, और ये काम कई बार देखने में आता है जब इस तरह से होता, तो हो सकता कि पैतृक रूप से भी जुड़ा हो सकता कोई पहले भी परिवार में इस काम करता हो। 35 वर्ष तक ये बहुत ही अनुकूल आपका ये वाला काम, 35 वर्ष के बाद में ये रेखाएं आपकी स्लो हो गई, धीमी पड़ गई। लेकिन कुल मिलाकर के ये बिल्कुल सही कहा आपने कि 3 साल से बहुत संघर्ष है, अगर मैं देखता हूँ तो ये स्लो पड़ रही हैं, और जब ये स्लो पड़ती हैं और इसको मिला करके ये फिर भी जैसी स्थिति है इसमें कुछ थोड़ी सी तरक्की आएगी, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी ही स्थिति रहेगी, लेकिन 55 वर्ष तक अब आपको अच्छे इंडिकेशंस मिलेंगे। 55 वर्ष तक आप बहुत अच्छा अभी भी कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है पहले जैसी, लेकिन स्लो रूप में कम आवक के रूप में अभी भी रेखाएँ आपके पास हैं। 55 के बाद में ज़्यादा स्थिति नॉर्मल होने वाली है, ज़्यादा स्थिति फिर आप शायद हो सकता है ड्राइवरी वाला काम भी छोड़ दें, कुछ और काम करें। तो यहाँ ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखने की बात जो मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो भाग्य रेखा आपकी ये भाग्य रेखा है। अब बात कर लेते हैं आपकी एक और रेखा की, जिसको बोलते पहले चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आपका चंद्र पर्वत देखते हैं। ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत के ऊपर मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा को बताया था, जो साहस का कारक रेखाएं भी यहाँ पर हैं, परंतु ये चंद्र पर्वत बहुत खराब तिल है, खतरनाक नहीं कह सकते, खराब तिल है। देखिए चंद्र पर्वत का जब ये खराब तिल होता है तो मैंने देखा है कि जब जब ऐसा तिल होता है तो व्यक्ति को गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। नंबर एक बात, तो कभी भी ऐसा मौका लगे गंगा के किनारे नहीं, गहरे पानी में मत जाइए। दूसरी बात, जब जब ऐसा काला तिल होता है तो व्यक्ति को कई बार देखा है कि गांठों से संबंधित रोग शरीर के अंदर हो जाते हैं। नंबर 3, जब ये यहाँ पर इस तरह का चिन्ह होता है और पर्वत के नीचे की तरफ है तो व्यक्ति को कोई ना कोई बुराई भी लग जाती है, जैसे मान लिया शराब पीने का ऐब लग गया, नशा करने का ऐब लग गया, या गलत जगह आदमी व्यक्ति जाने लगा, तो कोई ना कोई इस तरह के रोग से आदमी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन रूपों से व्यक्ति को बदनामी भी मिलेगी और बड़े रोग का सामना करना पड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्योंकि शनि पर्वत पर भी रेखा नहीं है तो वहाँ भी स्वास्थ्य में 55 वर्ष के बाद कोई बहुत बड़ा रोग ना ले ले आपको, इसलिए मुझको अभी मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, अगर कोई बुराई है आप में तो वो बुराई छोड़ दीजिए, वरना इतना बड़ा रूप लेगी कि आप बहुत परेशान हो जाओगे जीवन में। तो ये आपके लिए। आइए बात कर लेते हैं आपकी रेखा जिसको कहते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा हाथ के अंदर से चलती हुई जाकर के मिलकर के मिल गई आपके भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा में से मिलकर के फिर वो रेखा गई है आपके सीधा नीचे। अभी 77-78 वर्ष की आयु हाथ के अंदर नजर आ रही है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, अपना ध्यान अपने आप स्वयं रखना भी पड़ता है। अब बात करते हैं शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व के किसी भी प्रकार के ऐसे इंडिकेशन नहीं है जिससे मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा है। ठीक है, अपना खाना कमाना हो रहा है, अपने आदमी इतना भर कमा लेता है जिससे अपना जीवन का यापन कर सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देखो संतान रेखा की बात करें, संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर है, 3 से 4 रेखाएं हैं, बाकी पत्नी के बाद से पता लगता है, तो ये भी आपको संतान का सहयोग भी है। बस कुल मिला के पूरे हाथ में किसी न किसी चीज़ में कोई ऐब में ना पड़ जाए, मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता है। मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है और आपके धन के आगमन शुरू हो आगे बढ़ते रहे इसकी चिंता। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ।
आपको अपने रोजाना पूजा के अंदर, रोजाना नित्य पूजा के अंदर देखिए, आप हनुमान जी की तो पूजा करते रहिए, मंगलवार का प्रसाद बांटिए, प्रतिदिन हनुमान अष्टक पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, समझे, ऐसी पूजाएं नित्य अपने साथ संभाल करके रखिए, तो आपको रोगों से भी बचाएंगी और आपको नौकरी के कार्य काम भी बताएंगी, साथ ही साथ बुरे ऐबों में आपको नहीं जाना है, इससे भी आपको बचाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसके साथ साथ आप जो है जो मंगल के प्रसाद को तो बांट ही रहे हैं, अगर आपको शनिवार को भी अगर मौका लगे तो शनिवार के दिन गरीब लोगों को जैसे कभी चाय पिलाया है या कभी कोई गरीब सामने आपके आए तो उसको चाय भले 1 रुपया दे, इस तरह की चीज़ें शनिवार के दान आप करते रहिए, बस इतना भर करिए, आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। आशा करता हूँ आप अपने जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार।